Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to discuss about one of the people's favorite poet, even mine, William Shakespeare. Many of us are already aware with William Shakespeare, his writing, his works. Even he is often called England's national poet. So, let's get started. William Shakespeare was born on April 1564 and died on April 1616. In this video, we are going to discuss about his sonnets. Shakespeare wrote his drama as well as his non-dramatic poems during the years 1588 to 1612. His greatest achievement lies, of course, in this field of drama. But his narrative poems and his sonnets also possess high merit and excellence. A sonnet has been defined as a poem consisting of 14 lines and expressing a single emotion or idea and written according to a particular scheme, of which rhyme is an essential ingredient, though the rhyme is not uniform in all the sonnets. So basically, हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो सोनेट्स लिखे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोनेट क्या होता है? सोनेट एक तरह का पोयम होता है जो कि 14 लाइंस में लिखा जाता है और उसमें एक पर्टिकुलर इमोशंस, आइडियाज, इन सब चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं। सो द टू प्रिंसिपल स्कीम्स आर द पेट्रार्कन, इट मीन्स द इटालियन, एंड द एलिजाबेथन, इट मीन्स द इंग्लिश वन। The Italian or the Petrarchan variety of sonnets consisting of two distinct sections. So basically, जो हमारे sonnets हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे? एक Petrarchan और एक Elizabethan. तो जो Italian और the Petrarchan sonnets हैं, उनमें क्या होता है? An octave, a group of 8 lines, rhyming A B B A, and a sestet. A group of 6 lines rhyming CDE. तो हमारा इटालियन या जो पेट्रार्किंग, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ये जो सोनेट्स है ये टोटल हमारा जो पोएम्स का लाइन है उसके उसमें दो डिविजन्स हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ 8 लाइंस है उसको हम ऑक्टेव कहते हैं और जो ग्रुप ऑफ 6 लाइंस है उसे हम सेस्टेस कहते हैं। नाउ द राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश ऑल called the Shakespeare or Elizabethan. The next one, the English one, उसको हम Shakespearean sonnets भी कह सकते हैं. Form of the sonnet is generally ABAB, CDCD, EFEF and GG. तो ये जो है ना, ये rhyming है, ये lines की जो rhyming होती है, ये लिखने का तरीका होता है. The sonnet form has not only been attractive but do also a challenge to poets, because an author must compare what he has to say in the 14 lines. So basically poems तो होते हैं बहुत तरह के, but ये एक तरह का challenge भी है poets के लिए कि within in 14 lines उसको हर एक जिस भी टॉपिक के बारे में वो बात कर रहा है उसमें हर एक जो लाइन्स है उसको एक्सप्रेस करना, उसके मीनिंगफुल वर्ड्स को, उसके मीनिंग्स को दर्शाना, वो भी एक तरह का चैलेंज होता है कि आप कम चीजों में, कम लाइन्स में ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को कैसे एक्सप्रेसिव बना सकते हो। शेक्सपियर रोट अ लॉन्ग सोनेट सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ 154 पीसेस। सो शेक्सपियर ने क्या किया था? एक लॉन्ग सोनेट लिखा था। कितने सीक्वेंस थे उसमें? कितने सोनेट्स थे? 154 पीसेस। नंबर ऑफ सोनेट्स वाज देयर इन 154। दीज सोनेट्स वर रिटन ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स। दीज सोनेट्स वर रिटन ड्यूरिंग द इयर्स 1592, 1597 एंड 1598। The sonnet is by definition a kind of lyric, meaning that it is a spontaneous expression of some strong personal feeling or emotion
इन म्यूजिकल लैंग्वेज. सो सोनेट क्या है? एक डेफिनेशन जो सोनेट का रहता है, क्या होता है? लिरिक मीनिंग, मतलब कुछ म्यूजिकल चीज है, ऐसे रिदम, ऐसे राइमिंग लिखे गए हैं जिनका बहुत अच्छा इमोशंस होता है, स्ट्रांग फीलिंग होती है. बहुत बार तो ये भी है कि कुछ उनके पर्सनल चीज़ें उसमें एक्सप्रेस होते हैं. जैसे बहुत बार होता है ना, हम अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को कह नहीं सकते, ऐसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, बट हम कभी कभी अपने थॉट्स को उनको अच्छे से वर्ड्स में, अपने डायरी में, अपने नोटबुक में किसी तरह उतारते हैं. तो ये भी एक तरह का वही है. The sonnets written by Shakespeare are largely autobiographical and personal in nature. So यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, जो sonnets हैं जो Shakespeare ने लिखा है वो बहुत हद तक उनके autobiographical है, मतलब उनके खुद के life के ऊपर है, उनके personal चीज़ों को लेकर है. And each of them express a feeling or emotion which is always very strong and often very intense. और उस सोनेट की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस है. द सोनेट्स आर डिविजिबल इंटू टू ग्रुप्स, सोनेट्स 1 to 126 एंड सोनेट्स 127 to 152. सोनेट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर एड्रेस्ड टू अ यंग मैन who is for the Earl of Southampton, and the sonnets of the second group are addressed to a woman who has come to known as the Dark Lady, whose identity again is a matter of some controversy. The last of two sonnets, 153 and 154, stands in a class by themselves. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 154 सोनेट्स थे उसमें से 1 से 126 सोनेट्स एक यंग मैन जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है उन पे लिखा गया था, उनको डेडिकेटेड है. एंड 127 टू 152 एक डार्क लेडी थी जिनकी आइडेंटिटी बहुत कंट्रोवर्सी लाई थी उस चीज में, तो वो उनको डेडिकेटेड है. Now, the first 126 sonnets contain many tributes to the Earl of Southampton, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि इसमें बताया गया था कि शेक्सपियर उस पर्सन से, उस यंग मैन से काफी अटैच थे, काफी इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए थे. एंड द नेक्स्ट अनदर थीम विच इमर्स मोर पर्टिकुलरली इन द सोनेट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप इज शेक्सपियर्स अडल्ट्रस लव अफेयर्स विद द डार्क लेडी, बिकॉज शेक्सपियर वॉज अ मैरिड मैन एंड हैड अ वाइफ लिविंग बैक एट होम इन द टाउन ऑफ स्ट्रैटफोर्ड ऑन अवन. सो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टू 126 सोनेट्स उनके जो डियर फ्रेंड थे यंग मैन उनको डेडिकेटेड था, एंड जो सेकेंड सोनेट्स था, सेकेंड ग्रुप ऑफ सोनेट्स था, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, इवन एडल्ट्रस था, क्योंकि शेक्सपियर ऑलरेडी शादीशुदा थे. इसके बाद भी उनका एक डार्क लेडी थी जिनके साथ उनका अफेयर रिलेशनशिप रहा था, तो ये ज़्यादा ही थोड़ा मैटर हो गया था कॉन्ट्रोवर्सी का. The central theme of the sonnet is Shakespeare's deep love is profound admiration for the Earl of Southampton. In view of this variety and multiplicity of themes, these sonnets are for us a rich storehouse and a rich treasure of ideas and feelings. So, ये जो sonnets हैं, जब आप इनको पढ़ोगे one by one, तो आप आपके mind में अगर है कि हमें भी कुछ आगे चल के लिखना है, कुछ अपना कोट्स बनाना है, तो आप इन सब चीजों से बहुत सारे आइडियाज ले सकते हो. दीज सोनेट्स वुड कंटिन्यू टू बी परस्यू बाय ऑल द कमिंग जनरेशंस, एंड इवन ये क्योंकि इतना पहले लिखा गया था, बट स्टिल जनरेशन बाय जनरेशन ये सारी चीजें चलती आ रही हैं. तो आप समझ लो किसी चीज का महत्व इतना तभी होता है, तभी तो वो जनरेशन बाय जनरेशन चलते आ रही है. एंड वुड दस keep his friend name immense and merit life
फॉरएवर एंड एवर। एंड इसमें ये भी बताया जा रहा है कि सोनेट्स जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्लोज होंगी कि शेक्सपियर के जो फ्रेंड थे और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ अफेयर था डार्क लेडी, प्रोबेबली उन दोनों में अफेयर हो गया था, बट स्टिल शेक्सपियर ने लास्ट तक इस सोनेट्स में अपने फ्रेंड को सपोर्ट किया, अपने फ्रेंड की ही साइड ली और अपने फ्रेंड को इतना अच्छा बताया कि उनकी जो जिंदगी है कि अगर उनके फ्रेंड चले भी जाएं इस दुनिया से तो उनकी जो पर्सनालिटी है उन्होंने इतने अच्छे से दर्शाई है कि वो एवर फॉरएवर हमेशा इस दुनिया में रहेगी ही रहेगी जब तक ये दुनिया चल रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।